जिस युवक को पुलिस ने इनामी बदमाश समझकर किया गिरफ्तार, वह निकला मारपीट का आरोपित। खबर सीवान जिले से निकल के आ रही है, जहां सीवान जिले के दरौंदा थाना क्षेत्र के गांव से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, जिसको पुलिस ने समझ पाया कि वह व्यक्ति जो है इनामी अपराधी है, लेकिन काफ़ी जांच पड़ताल के बाद पता चला कि उस व्यक्ति पर मारपीट का मामला दर्ज है। पूरी घटना ये बताया जा रहा है कि सीवान जिले के दरौंदा थाना क्षेत्र के उजाय गाँव से एक व्यक्ति को देर रात गिरफ्तार किया गया। थाने में पदस्थापित एसआई अमित कुमार सिंह ने दल पल के साथ जाकर छापेमारी किया और उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया, और व्यक्ति का पहचान छपरा जिले के माझी थाना अंतर्गत मटियार गांव के धीरज कुमार सिंह उर्फ डिक्के के रूप में हुई है। उन पर मारपीट का मामला दिल्ली में दर्ज है। आसपास के लोगों द्वारा सूचना दिया गया दरौंदा थाने को कि काफ़ी कुख्यात अपराधी है जो उजाय गांव में छिपा हुआ है, जिसके बाद से पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए छपाने शुरू कर दिया। छपारी में धीरज कुमार सिंह उर्फ डीके को गिरफ्तार किया गया। काफ़ी देर से हट्टा कट्टा है और काफ़ी एक युवक है, लेकिन उस पर मामला दर्ज ये था कि मारपीट का मामला दर्ज था, लेकिन आसपास में चर्चा का विषय बन गया कि दरौंदा पुलिस ने काफ़ी कुख्यात अपराधी को पकड़ लिया। इसी को खुलासों को लेकर हमारी टीम जो है काफ़ी जाँच पड़ताल किया। जब थाना अध्यक्ष से बातचीत हुई तो उन्हें साफ तौर पर बताया कि जो धीरज कुमार सिंह उर्फ डीके है, जिसकी गिरफ्तारी उजाय गाँव से की गई, उस पर मारपीट का मामला दिल्ली में दर्ज है। और इस घटना के बाद उसको जब गिरफ्तारी हुई दरौंदा थाने के, तो पदस्थापित एसआई अमित कुमार सिंह है, उनके द्वारा जब उसको गिरफ्तार किया गया, उसके बाद से दिल्ली पुलिस को सूचना दे दिया गया। वहीं दिल्ली पुलिस आकर धीरज कुमार सिंह डीके को अपने कब्जे में लेकर दिल्ली लेकर रवाना हो गए हैं। आसपास के लोग जिस तरह बता रहे थे कि उस पर आपराधिक मामला दर्ज था, इनामी अपराधी है, लेकिन दरौंदा पुलिस ने खुलेआम खुलासा कर दिया कि उस पर कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं था, कोई इनामी उस पर अपराधी इनामी जो बदमाश कहा जाता है इनामी बदमाश वो नहीं था, उस पर मारपीट का मामला था जो दिल्ली में दर्ज था। उसका जो घर है उसका बताया जा रहा है कि सारण जिले के माझी थाना क्षेत्र के मटियार गांव में उसका घर है, जिसका नाम धीरज कुमार सिंह उड्डीके बताया जा रहा है, जिसकी गिरफ्तारी जो है दरौंदा थाने की पुलिस ने, यानी दरौंदा थाने पदस्थापित एसआई अमित कुमार सिंह ने दल बल के साथ उजाय गांव से पहुंचकर उसकी गिरफ्तारी किए हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस फिलहाल धीरज कुमार सिंह उड्डीके को लेकर रवाना हो गई है। उस पर साफ तौर पर बताया गया है कि मारपीट का मामला दर्ज था, ना ही उस पर कोई आपराधिक मामला दर्ज था, ना ही कोई इनामी बदमाश था, और मारपीट का आरोपी था, जिसको दिल्ली पुलिस ने अपने साथ लेकर चली गई है।